रात दिन पढ़िए, किताबों के साथ सोइए, किताबों के साथ उठिए बैठिए, और अंत में ये होगा कि नौकरी लेने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो है चौखट पर दस्तक दीजिए और दरवाजा जो है खटखटाइए। ये तो नामुमकिन वाली बात है, नामुमकिन को मुमकिन भी बनाते हैं बिहार के आला अधिकारी। कैसे होता है आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का, और देश का जो है कहीं ना कहीं सेवा करने का सपना होता है, और उस सपने को जो है सपने में पानी फेरने का काम बिहार के आला अधिकारी हुए आपकी? नहीं, अभी कहाँ शादी हुआ है, लास्ट एज हो गया है, उसके बावजूद भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है मित्रों, शादी होगी, बारात जाएंगे, आप आपका बच्चा होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबरें बिहार। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ, और जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हमारी टीम मौजूद है, ये एक चर्चित जगह है मित्रों। चर्चित जगह क्यों है, अभी कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन हुआ है और महागठबंधन की जो है सरकार बनी है। ये तेजस्वी यादव जी है उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जी, उनके आवास के बाहर हूँ, और ये जो बिहार पुलिस वाले हैं जिनका अभी 2 सितंबर को रिजल्ट निकला है, मेरिट लिस्ट आया हुआ है। कहीं ना कहीं इन लोग जो है संतुष्ट नहीं है उससे, अभी आए हैं उप सीएम जी से, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए। अब मुलाकात में क्या कुछ बातें होंगी ये देखने का विषय होगा, लेकिन अभी फिलहाल इन लोगों ने हमसे कहा कि भैया थोड़ा हम लोगों का कवरेज कर लीजिए, क्या कुछ हुआ है बताइए। वैसे तो ये बिहार है दोस्तों, यहाँ पर जो है जब अभ्यर्थी को जो है भविष्य उज्ज्वल करने के लिए बताया जाता है, कभी रात रेलवे ट्रैक पर गुजारना पड़ता है, और कभी पुलिस के डंटे और लाठी खाने पड़ते हैं, जैसे आरआरबी और एनटीपीसी में हुआ था, आप लोगों ने देखा था। अभी कुछ दिन पहले मित्रों अग्निवीर योजना लाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उससे बहुत सारे जो है छात्र जो है बहुत ज़्यादा नाराज थे, और आंदोलन भी किया था, आगजनी भी की थी। इन लोग आए हुए हैं न्याय के लिए, आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो चुका है, क्या कुछ हुआ, क्यों आए, आज क्या जरूरत पड़ गई जो मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर आप लोगों ने दस्तक दिया है। सर, हम लोगों का मेरिट लिस्ट 2 सितंबर को मतलब कि जारी किया गया। हाँ, और CSBC कहती है कि मतलब कि हम लोग पारदर्शिता से मतलब कि रिजल्ट दिए हैं, तो पारदर्शिता से रिजल्ट दिए हैं, तो जिसका कट ऑफ से अधिक नंबर है उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, और जिसका कट ऑफ से कम नंबर है उसका रिजल्ट कैसे आ जा रहा है, इसका मतलब ये कैसे हुआ है? ये तो नामुमकिन वाली बात है, नामुमकिन को मुमकिन भी बनाते हैं बिहार के आला अधिकारी। कैसे हो गया ये? सर वही तो हम समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे ये सब हो गया। मित्रों सपना होता है आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का, और देश का जो है कहीं ना कहीं सेवा करने का सपना होता है, और उस सपने को जो है सपने में पानी फेरने का काम बिहार के आला अधिकारी करते हैं। क्या क्यों आए मुख्यमंत्री जी के पास? देखिए हमारा दूसरा कोई मैटर है। हाँ, आपका दूसरा है, आप लोग हैं इसमें? हम लोग का यही मैटर है कि हम लोग का कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद भी हम लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, इसका कारण क्या है? अगर आपने पारदर्शिता के साथ सब कुछ किया है, मेरिट लिस्ट जारी किया है, तो हम लोगों को अंक दिखलाइए और वेबसाइट पर उपलब्ध कीजिए, जैसे हम लोग भी जान सके कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है। आप कुछ बता रहे थे OBC जनरल कैटेगरी के बारे में, थोड़ा बताइए विस्तार। OBC का कट ऑफ 72 गया है। अच्छा, जनरल का कट ऑफ 76 गया है, और EWS का 68 गया है, और उसके बावजूद भी 68 से भी ज़्यादा है, किसी लड़के का 86 है, किसी लड़के का 92 है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, और जिसका कम है उसका आ गया है। रात दिन पढ़िए, किताबों के साथ सोइए, किताबों के साथ उठिए बैठिए, और अंत में ये होगा कि नौकरी लेने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो है चौखट पर दस्तक दीजिए और दरवाजा जो है खटखटाइए, उसके बाद साहेब जी निकलेंगे आराम से मुँह हाथ धो के फ्रेश होकर के। मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग आज सुबह से आए हैं, CSBC ऑफिस गए, वहाँ से गए तो बोले कि पटेल भवन में जाइए, आप लोग वहाँ पर जाके अपना कहाँ कहाँ जाइएगा, पढ़ लिख के कहाँ कहाँ जाइए। वही तो, इतना एक बहुत सारे जो है छात्र ऐसे हैं, मैंने देखा है कोई चाय की दुकान खोलते हैं, कोई पकोड़े की दुकान खोलते हैं, आप लोग भी खोल लीजिए, नौकरी नहीं मिलेगा भी। हाँ, तो सरकार यही करिए रहा है, इसी के अलावा आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इतना मेहनत कीजिए, एक तो रिटर्न निकालिए इतना मेहनत करके, उसके बाद फिजिकल पर नंबर है, फिजिकल में इतना मेहनत कीजिए, उसके बाद इन लोगों को जो है धांधली का प्रोसेस है।
बहुत समस्या है, चलेगा ये कब तक चलेगा? लगता है कि जो जो समस्या उत्पन्न हो चुका है वो उसकी समाधान जो है उनका होगा, कुछ आप लोगों के हक में कुछ फैसला होगा, हम होगा जी होगा, विश्वास है, पूरा विश्वास है, हमें यकीन है जी, तेजस्वी मुख्यमंत्री पे बहुत हमें विश्वास है, विश्वास है कि हम लोगों का मार्कशीट जारी करे, हम लोगों को अच्छा से अंक दिखलाए और जो ये धांधली हुआ है इस पुलिस में उस बार सीबीआई का जांच कराया जाए, जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसको रोके और रोक कर आगे का प्रोसेस अच्छा से करे, जो अभ्यर्थी हैं जो योग्य हैं जिनको खुल करके कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, गड़बड़ी हुआ है क्या कहना? हाँ गड़बड़ी इसमें बहुत खुल गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी नहीं बहुत बड़ा धांधली हुआ है, जिसका अंक 20 है वो हुआ है, जिसका अंक 40 है 50 है दौड़ में 30 है उसका नहीं हुआ है। क्या बहन जी कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? बीए। हैं आज मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर दस्तक दिए हैं, क्यों दिए हैं? उप मुख्यमंत्री जी के मेरा मेरिट नहीं बना है, हैं 70 नंबर लाए थे फिजिकल में, 60 पे कट अप गया है, मेरा मेरिट नहीं बना। आए हैं तो कैसा उम्मीद है, होगा जी? होगा जी, कर देंगे आप लोगों के पक्ष में फैसला कर देंगे क्या? हाँ करेंगे, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, उम्मीद है, हाँ आपको भी उम्मीद है? जी जी, मैं भी यही आशा और उम्मीद करूंगा। मित्रों देखिए बहुत मेहनत लगती है, बचपन बिता देते हैं, जवानी बिता देते हैं, आज जो है क्या बोल रहे हैं, एज होने के बावजूद भी हम लोग शादी हुई आपकी? नहीं अभी कहाँ शादी हुआ है, लास्ट एज हो गया है, उसके बावजूद भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है मित्रों शादी होगी, बारात जाएंगे आप, आपका बच्चा होगा, मुझे तभी भी लगता है कि नौकरी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई उम्मीदें नहीं है, नहीं उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है, फिर यहाँ पर आए हैं। ऐसा ऐसा जो सरकार के साथ ड्रामा करेगी अभ्यर्थियों के साथ तो क्या उम्मीद होगा, कौन भर्ती होगा? जो आप धांधली लेकर करेंगे, जो स्वच्छ अभ्यर्थी हैं वो भर्ती नहीं होंगे। अब तो उम्मीद जगी है क्योंकि महागठबंधन का सरकार बन चुका है, ठीक है तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बन चुके, ये तो बोले ही हैं कि रोजगार देंगे, उचित अभ्यर्थी को लाएंगे, तो हम लोग उचित हैं, देखें उसमें जांच कराएं, सीबीआई को जांच करा कर उचित 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। हाँ तो अब इनको देना चाहिए ना, अब तो इनको देना चाहिए, अब तो सत्ता में है, फुल पावर है इनका, अब क्या करना चाहिए, इनको तो देना ही चाहिए रोजगार। चलिए मित्रों और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या भाई लगता है कि उम्मीद जगह है? उम्मीद जगह इन्होंने है। कहा है तो हम लोग इसी विश्वास पे इनके पास आए हुए हैं। कहा है कि आइएगा, हम लोग मतलब वो बोले हुए हैं कि हम 10 लाख भर्ती देंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं, 10 लाख भर्ती देंगे इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है दस्तक दिए हैं आप लोग। जी जी जी, बहुत बहुत आभार धन्यवाद मित्रों, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि जो बेरोजगार है युवा उनको जो है रोजगार देकर इनके जो है कलेजे को ठंडा कर दीजिए। बहुत बहुत आभार धन्यवाद, शुभकामनाएं।